बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के सीताकुंड पिंड वेदी का दर्शन किया। इसके उपरांत उन्होंने सीताकुंड के समीप बने मां सीता पथ का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया, साथ ही नीतीश कुमार ने रबर डैम का अवलोकन भी किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से कई अहम जानकारियां ली। उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो कुछ काम बच गया है वह तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्री गया जी आए। देश के कोने कोने से तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं और पिंडदान करते हैं, उनके लिए हर संभव सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कई मंत्री मौजूद थे। संख्या में लोग आते हैं, कुछ बचा हुआ काम को पूरा करवा रहे हैं तो उसके बाद लोगों को आने में कितनी सुविधा होगी। और हम चाहते हैं कि जितने लोग आते हैं और लोग आया करेंगे, इसी के लिए हम सुविधा दे रहे हैं। गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।